आपको पास से दिखाती हूँ मैं काफल को, ये देखिए। और मुझे ना ये है मिंद्रा, और इतने सारे पौधे हैं ये देखो, बहुत सारे हैं, तो इनको मैं लगा के आती हूँ उस तरफ। दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं, और भटूरों को कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा भटूरे को। सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखवा लिया दहेज, और यहाँ हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से स्वागत है। होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से, और सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं। मौसम की अगर बात की जाए मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मम्मी जी ने अभी फ़ोन करके बोला तेरे को खूना जाना है काफल लेने, लेकिन अभी फिर बोल दिया है कि नहीं जाना है। मैं तैयार हो गई थी, अभी मेरा दिल तोड़ दिया है उन्होंने ऐसे टक से। अभी बोल रहे हैं ग्वालदे, यहाँ पे एक जगह का नाम है, वहाँ पे बहुत सारे काफल पक रखे, लेकिन मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, वो कह रही है कि वहाँ पे काफल पके ही नहीं है, कल तोड़ दिए जितने थे। अब मेरा काफल खाने का इतना मन है मैं बता नहीं सकती हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है। जिनको काफल खाने को ही नहीं मिल रहे हैं, खाली देख सकते हैं उनका, उनकी उनको भी समझ सकती हूँ, और मेरे सामने काफल होके मैं नहीं खा पा रही हूँ वो भी मैं समझ सकती हूँ। बाकी आज हमारे गाँव में महिला संगीत है, और काफल खाने हैं मुझे, संगीत में जाएंगे आज बढ़िया मस्त। आज मेरी प्यारी सारे जग से न्यारी सासू माँ क्या लेके आई है मैं दिखाती हूँ, काफल। लेकिन मम्मी बहुत फटाफट जल्दीबाजी में काफल तोड़ के लाई है, जैसे मेरे पापा काफल तोड़ते हैं मम्मी ने भी वैसे ही तोड़े सासू माँ ने। मतलब कुछ दाने तो मीठे हैं, कुछ दाने पूरे हरे हैं, कुछ दाने लाल हैं, पर उसको भी छानते हैं। तो ये है हमारे पहाड़ी काफल, जिनका ब्लॉग अब आएगा, क्योंकि अभी तक मैं काफल तोड़ने गई नहीं हूँ। मैं जा रही थी, मम्मी ने जाने नहीं दिया, बोला मैं ही तोड़ के लाऊंगी, तो एक ग्वालदे से तोड़ के लाई है। काफ़ी ज़्यादा काफल आए हैं और पके नहीं है, पर अभी पक रहे हैं धीरे धीरे, तो चलो इनको छानती हूँ। जीरे का नमक और तेल डाल के मस्त सन्ना बनाते हैं इसका, साथ ही बन रही है चाय। को पास से दिखाती हूँ मैं काफलों को, ये देखिए। और मुझे ना ऐसे वाले काफल पसंद है जो इसमें काफ़ी कम मात्रा में है, ये वाले। अब कुछ लोग सोचेंगे काफल में सरसों का तेल कौन डालता है, तो जब काफल को निगलते हैं ना, निगलने में सरसों का तेल डाल के आसानी रहती है, और जो उसका कच्चापन रहता है ना सरसों के तेल का, उससे काफलों में अलग ही टेस्ट आता है। दोस्तों मैंने काफलों को बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है, इसमें नमक और जीरा और तेल डाल दिया है, जो कि अब देखने में और खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। दोस्तों अनाया पहली बार काफल खा रही है इस सीज़न के, ये देखो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों कल वाली वीडियो में आप लोग का कमेंट था कि यहाँ पे लड़की की शादी है या लड़के की शादी है, तो दोनों की शादी है, यहाँ पे लड़के की शादी है और इस तरफ पे लड़की की शादी है, और दोनों तरफ से हमको निमंत्रण आया है, दोनों ये बारात वहीं पे जा रही है। चल बर्तन पोछा करती हूँ, ये तो मेरे पीछे लग जाएगी। दोस्तों मेरे टब वाले जो वो टब था उसमें गमले लगाए थे, मतलब पौधे लगाए थे, उसमें बहुत सारी मात्रा में जो लंबे लंबे पौधे हुए थे ना, मैंने आज सभी उखाड़ दिए, और मैं उनको जहाँ पे मैंने मिर्च के पौधे लगाए हैं उधर ही किनारे किनारे लगा के आती हूँ, क्योंकि ना गमले में स्पेस नहीं है और पौधे रोपने के लिए। चलो चलते हैं, वहीं पानी भी डालना पड़ेगा। तो ये हैं वो पौधे जिन्हें मैंने निकाल लिया, और साथ में मिंद्रा भी पकड़ा है। चलो ये है मिंद्रा, और इतने सारे पौधे हैं ये देखो, बहुत सारे हैं, तो इनको मैं लगा के आती हूँ उस तरफ। पौधे तो मुझसे लगे नहीं, ऐसे ही सारे घंटे ही लगाई, मतलब बिना स्पेस के। अब चाय रख देती हूँ, और फिर टाइम हो रहा है संगीत में जाने का, और डीजे अगर बजने भी लग गया है फिर जगह नहीं होती है, पीछे ही बैठना पड़ेगा दहेज लिखवा के, थोड़ा डांस वगैरह देख के घर को ही आना है वैसे भी। तो इस वक्त तैयार हो गई हूँ संगीत में जाने के लिए, और ना दोस्तों सभी लोग चले गए हैं शायद, यहाँ पर मुझे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा, और देखती हूँ अगर कोई मिलता है तो साथ उनके साथ निकल जाऊँगी यहाँ से, बाकी संगीत में जाके ही मिलती हूँ। अनु को भी मैंने रेडी कर दिया है, उसको मैंने बॉय बनाया, बॉय। तो ये है मेरी अनाया। तो आज का जो मेरा लुक है वो ये है, टीका भी लगा लिया मैंने, और ये साड़ी पहनी है मैंने ब्लू कलर की, जो कि क्या पता नहीं कब का पहनी थी मैंने, और तब से आज पहन रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखवा लिया दहेज, और यहाँ सब कुछ छुपा रहे हैं।
दोस्तों आज बहुत ज्यादा दूर बैठी हूँ तो आपको डांस के उतने आनंद नहीं आएंगे। तो ये मैं दे रही हूँ कैमरा, पर यहाँ से ना बहुत दूर हो जा रहा है, देखो इतना दूर हो जा रहा है। चाची ये वाली, चाची ये वाली, चाची आपकी लड़की है, ये क्या है, ये करंट है। दिया की बहन और सुहानी कितनी खुश रहती है, देखो अनु हंसते, फिर अनु ने हंसती है, बड़ी मुस्ती से हंसती है। अनु ने आज टीम बदल दी है। अनु, तो आज की जो हमारी रील बनाने की लोकेशन थी वो ये थी, ये है चाची लोग का घर जहाँ पे सुबह हम पानी भरने के लिए आते हैं। और मेरा साथ दिया सुहानी और दिया की बहन तन्नू ने, ना तन्नू ने। और सुहानी आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सुहानी इतनी सुंदर क्यों है तू? दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं और भटूरों को कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा भटूरे को। स्टाइल खत्म ही नहीं होती है, इससे पतला कैसे बनाऊं? कुछ कुछ तो बोलो, मतलब खाली देखोगे क्या बोलते क्यों नहीं हो? तो यहाँ पे मेला संगीत चल रहा है, साथ ही साथ में सभी लोग बैठे हुए हैं, कर रहे फोटोशूट, बाकी सभी लोग गप्पे कर रहे हैं। ये देखो ये इसको तो नींद आ रही है, भयंकर वाली, लेकिन हम तुमको नहीं देंगे। इसको तो नींद आ रही है भयंकर वाली, है इसके आगे बंद हो रही है, जब से नींद घूम गई है नाच रहे हैं आज, नाच नाच के यहाँ भूत की ऐसी चाउमीन तो इसने कभी खाई नहीं, सुहानी ने कभी दो तीन प्लेट पकड़ी। ऐसी जो चाउमीन है ना काफी ज्यादा मिर्ची वाली है, इसलिए इसलिए वहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है, अभी इसके बाद हम आइसक्रीम। ऐसे हमको तो निकला ही, मेरी भाभी ने दी गंजू लगाया, क्या निकलाया जरूरी है, पेट नहीं भी भरता है तो चाटको लेते हैं। गुलाब जामुन मांगे, उन्होंने मुझे दे दिए, आप भी खाओगी सुहानी जी? नहीं नहीं आप खाओ, ये भग कहते हो। देखो गाइस इतने लोग आ रखे हैं।
एक खड़ी हुई है, मेरी बनाएगी भाई की नहीं, मेरी वीडियो बना दिया था मुझे। ये चाहती है कि सब देखे कि मैं खा रही हूँ। इतनी अच्छी आई है, देखो गाइस सभी लोग आ रखे हैं, देखो तो हम लोगों ने ना ये लेके आए हमारे लिए, ये बताना, ये लेके आए हमारे लिए 5 बार आइसक्रीम। घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने मट्ठा रख दिया है, ये देखो मैं इसको छूंगी नहीं क्योंकि करंट आता है, और अब साथ में मेरी सब्जी कट हो गई है। क्या हो गया जी, देखो इसको दोस्तों, घर पे तो लाइट नहीं है लेकिन देखो यहाँ पे जयचम हुई है, शादी वाला घर है ना इसलिए, और साथ में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और घर के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये देख सकते हो, दिख रहा है कि नहीं बताओ, अंधेरा हुआ है ना। वीडियो में तुम सब बॉल देखी, राहुल मील आज चाउमीन और रसगुल्ला ठुस ठुस वेर खा रखे हो, अब रोट खाने खाया, अब रोट खाने मन कह, बोलो दो रोट खाऊं, दो चाउमीन खा आज ही, छोल भटूर ना खाए, सब खाया। उम्मीद करती हूँ आपने महिला संगीत का जो व्लॉग है वो इंजॉय किया होगा, और जो भी मुझसे मिस्टेक वगैरह हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय सीता मैया की, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना रे, धैर्य कस करना रे।